खा गया क्या किया उसने मैं खानी अब नहीं किया किया था उसने अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल. कैसे हैं सब? तो आज हम फिर से गए हुए हैं बीच पे. ये फ्राइडे नाइट की वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इतनी मज़े की हवा चल रही थी. अच्छा, इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रही हूँ वीडियो. आज हम सिर्फ बीच पर नहीं गए थे, हम लोग ना पहले गए थे डॉल्फिन शो देखने, उसके बाद हम लोग ना चले गए थे बीच पर और काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे. बहुत मज़ा आया, इतना इंजॉय किया. और वैसे ना आपस की बात है, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे ना ठंड लगने लग गई है. इतनी ठंड आई कोई नहीं है, बस उनको पता नहीं क्यों लग रही थी. वैसे ना काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और छोटे बच्चे जो थे वो तो स्विमिंग कर रहे थे और मेरे हस्बैंड उनको देख देख के ना मुझे कह रहे थे कि मुझे तो बड़ी ठंड लग रही है, ये कैसे नहाई जा रहे हैं आधी रात को. और ये देखें जी, पानी भी काफ़ी साफ़ सुथरा था. और जो है ना वो क्या उसको कहते हैं, हाँ जी ये कहते हैं कि आगे जो है ना वो मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ. हम लोग गए थे डॉल्फिन शो देखने, तो आप लोग वो वाली वीडियो एंजॉय करें. और ये इस तरह से बाहर से नज़र आता है इसका जो है ना, इसकी जो लोकेशन है ना वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो ये बहुत ही मज़े का एक्सपीरियंस था मेरे लिए तो, क्योंकि मैंने तो इसको फर्स्ट टाइम देखा था. जितने भी सी एनिमल्स होते हैं उनको मैंने इतने करीब से पहली बार देखा था ज़िंदगी में. और ये देखें जी, है ना खूबसूरत, बहुत ही प्यारी जगह. और डॉल्फिन शो की एक टिकट जो है वो 60 से 70 रियाल की है. आई थिंक 65 की होगी या 70 की होगी, इतनी ही है, मुझे कंफर्म नहीं पता क्योंकि टिकट्स वगैरह हस्बैंड ने ली थी. तो आप जो है वो ऑनलाइन भी इसकी टिकट्स बुक करवा सकते हैं और वहाँ जाके काउंटर पे भी आपको मिल जाएंगी इजीली, कोई इतना रश नहीं होता है. तो ये देखें जी, आगे डॉल्फिन आई है बहुत बड़ी सारी और लड़की ने पता नहीं इसको कैसे ट्रेन किया है. जैसे जैसे लड़की कर रही थी वैसे वैसे वो डॉल्फिन कर रही थी, अभी क्लैपिंग कर रही है. और ये देखें कितनी क्यूट लग रही है. अच्छा हाँ, थोड़ी देर बाद वो ना इसको खाने के लिए एक छोटी सी फिश भी दे देती थी जो कि इसका फूड था. और ये देखें अभी जो है ना वो इस तरह से पूरा एक राउंड लगाएगी और पता नहीं क्या क्या कुछ कर रही थी ये.